हरिवंश राय बच्चन। मेरे पिता ने कहा था कि मैं उनकी लिखी सबसे अच्छी कविता हूँ। जी हाँ, ये कहा हमारे सबके चहेते अभिनेता अमिताभ बच्चन ने। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक सुप्रसिद्ध लेखक तथा कवि थे। उनके परिचय में कोई और क्या कहे, उन्होंने स्वयं के लिए कहा, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव में जन्मे हरिवंश राय बच्चन इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके साथ ही क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को बुलाया जाने वाला शब्द बच्चन भी विश्वविख्यात हो गया। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू की शिक्षा ली, इसके बाद अंग्रेजी में एमए और पीएचडी की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये दूसरे भारतीय थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने आत्मकथा भी लिखी जो कि अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इन्हें जितनी प्रसिद्धि मिली सम्मान भी उतने ही मिले। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कमल पुरस्कार, सरस्वती सम्मान आदि प्राप्त हुए। भारत सरकार द्वारा शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया। हरिवंश राय बच्चन जी का मानना था, मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वही है हरी इच्छा।